तो नमस्कार दोस्तों, आपने हमारी लगातार वीडियो देखी होंगी और हमने लगातार जो केस था अमेजोन के साथ जो हमारा हुआ था, हमने 47,500 रुपये का कैमरा मंगाया था, उसके बाद 4 परफ्यूम की बोतल मिली थी। और आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने थाना चौकी SSP साइबर क्राइम सभी में रिपोर्ट की थी। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें मैंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए कॉल किया था, लेकिन कॉल बीच में से डिसकनेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा से कॉल करके उनको कंप्लेन करा दी है। आज की इस वीडियो में आप वही देखोगे कि जो मैंने अमेजोन के खिलाफ कंप्लेन कराई है कंज्यूमर कोर्ट में, वो किस तरीके से कराई है। तो दोस्तों, वैसे जो कंज्यूमर कोर्ट की हेल्पलाइन नंबर है वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है, उनका कॉलिंग नंबर, उनका सेकंड कॉलिंग नंबर, सारी डिटेल मैंने उसमें बताई है, कैसे कंप्लेन होता है, क्या होता है। इसमें मैंने कॉल करके कंप्लेन कराया है कि अमेजोन ने मेरे साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करी है। तो आप भी ऑनलाइन कंप्लेन करा सकते हैं। सबसे पहले ऑडियो सुन लीजिए जो हमारे बीच कन्वर्सेशन हुआ था, वो क्या बातें हुई थी। हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जा रही है। वेलकम टू द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। प्लीज वेट व्हाइल योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर टू आवर काउंसलर। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल अपने सलाहकार को स्थानांतरित कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जा रही है। वेलकम टू द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश और हिंदी के लिए 2। प्लीज वेट व्हाइल योर कॉल इज ट्रांसफर टू अ काउंसलर। मैंने अमेजोन से कुछ खरीदा था, लेकिन मेरे को कुछ और मिला, तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मोबाइल नंबर आप बताइए सबसे पहले। 8630 86300 56। ऐसा हुआ था, इससे पहले मैंने कॉल किया था लेकिन बीच में ही कट गया था कॉल, तो कंप्लेन हो नहीं पाई थी। ओके, लाइन पे रहिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। जी। A few minutes later। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूंगी आपको कोई टॉकेट नंबर 7 डिजिट का रिसीव हुआ है SMS में? नहीं नहीं। आपके नंबर पे? नहीं। ओके, रोहित शर्मा जी बात कर रहे हैं? जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर, स्टेट एंड सिटी बताइए। उत्तर प्रदेश आगरा। जी। तो आपको जो बॉक्स मिला था वो पूरा खाली बॉक्स था, उसमें कुछ जो प्रोडक्ट आपने मंगाया वो प्रोडक्ट नहीं मिला आपको? खाली बॉक्स नहीं था, मैंने मंगाया था कैमरा, लेकिन मेरे पास जो आया वो परफ्यूम की 4 बोतल आई, उसमें अंदर रखी हुई। ओके, रॉन्ग प्रोडक्ट। जी ठीक है सर, इसमें आप डिटेल बता दीजिए, हमारी तरफ से कंप्लेंट भेज दी जाएगी। जी। इसमें आपको ऑर्डर आईडी मिली होगी अमेज़न से, वो ऑर्डर आईडी बताइए। नोट करिए, 40 40 31 31 87 87 64 64 36 36 67 67 82 82 72 6। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ सर, 4031 8764 36 67 82 72 6। जी। डेट ऑफ ऑर्डर बताइए, कब किया ये था? 4 तारीख को दूसरे महीने में 2021। ओके। जी। ये आपका जनवरी राइट? हाँ, दूसरा महीना फरवरी। ओके। दूसरा महीना है मैम, फरवरी। हमने इसमें एग्जैक्ट जो अमाउंट पे किया था 47,544 रुपए।
44,544। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए अमेजोन के साथ आपका। 91 49 91 49। कंप्लेन नंबर भी लिया है आपने में जो उसको कंप्लेन किया कि आपको कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट दिया गया है? मैंने उनको ऐसा था मैम कि जब ये मेरे पास प्रोडक्ट आया था गलत तो मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी इसकी। तो रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो रिटर्न पिकअप के लिए लड़का आया था लेकिन वो लेके नहीं गया प्रोडक्ट को। उसके बाद मैंने अमेजोन से द्वारा बात की थी, द्वारा में फिर मैंने पूरा बताया, उन्होंने फोटो वगैरह मंगाए प्रोडक्ट वगैरह के, उन्होंने बोला कल के दिन आपकी फिर से रिटर्न हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कोई आया ही नहीं द्वारा से भी लेने के लिए। तो अब तीसरी बार उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हैं ये मान लो। ओके जी, लाइन पे बने रहिए, मैं आपका कंप्लेंट नोट कर रही हूं सर। जी फाइनली यू वांट अ रिफंड सर, आप रिफंड चाहते हैं? जी जी हम रिफंड चाहते हैं। आपने कोई मेल वगैरह भी किया है? हाँ हाँ मैंने मेल किया था इनको जी। ओके, मेल का भी कोई, मेल के ऊपर कोई जवाब नहीं मिला? मेरे को जवाब मिला लेकिन जवाब में क्लियर ये मना कर रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ना रिटर्न करेंगे ना रिफंड करेंगे, क्लियर मना कर रहे हैं। ओके, डिनाई कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे एंड से ये कंप्लेन आपके अभी फॉरवर्ड की जा रही है। मेरी एडवाइस ये है कि आप उनको एक रिमाइंडर मेल स्टिक वार्निंग के साथ फिर से भेजिए। मैंने ये सब कुछ कर लिया, मैं थाने भी चला गया, पुलिस स्टेशन भी चला गया, साइबर क्राइम भी चला गया, वहाँ पे भी मैंने रिपोर्ट पूरी दे दी, एसएसपी से भी मिल लिया। तो ऐसा था इनको बोला भी तो जी। ठीक है सर, इसमें देखिए पुलिस का तो पुलिस का एक अलग रोल होता है कि आपका फ्रॉडलेंट इशू है, आपको कोई डिटेल नहीं मिली है, कंपनी फेक है, सर इज अ फ्रॉड इशू की आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। बट इसमें आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने हमारे पोर्टल पे जैसे आज कॉल किया है तो हमारी तरफ से ये कंप्लेंट भेजी जा रही है। तो वेट करेंगे 15-20 वर्किंग डेज के अंदर कभी भी रिप्लाई आ सकता है अमेजोन का डॉकेट पे। डॉकेट नंबर मैं दूंगी आपको, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं सर हमारे पोर्टल पे जाके consumerhelpline.gov.in। यहाँ पर ट्रैक ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है डैशबोर्ड पे ही, उसको क्लिक करेंगे, डॉकेट नंबर मांगेगा डालिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपना डालिएगा और सबमिट कीजिए करेंगे तो आपको पूरा कंप्लेंट ट्रैक हो जाएगा। वहाँ पर विद इन अ टाइम पीरियड कंपनी का रिमार्क भी शो होगा आपको। हमारी सिर्फ इतनी एडवाइस है, आप स्टेक वार्निंग के साथ उनको बोल सकते हैं एज अ बीइंग अ कंज्यूमर मेरे पास जो राइट है कि मैं लीगल एक्शन में नोटिस भी आपको भिजवा सकता हूँ कोर्ट का, मैं कोर्ट जा सकता हूँ आपके खिलाफ, बिकॉज मैंने इतना बड़ा अमाउंट पे किया है जो चीज मुझे मिली ही नहीं, और आपने एक चीपेस्ट प्रोडक्ट मुझे भेज दिया है जो कि मेरे पास प्रूफ है, एज ए प्रूफ कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया, और मेरे आपके पास स्क्रीनशॉट भी होगा, आपने कैमरा मेरे पास मेरे पास पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो, मैंने पैकेट खोलते टाइम वीडियो बनाई थी कंप्लीट, वो वीडियो पूरी मैंने बनाई है, उसके बाद वो वीडियो मैंने भेजी थी उन लोगों को, तो उन लोगों ने वो वीडियो देखी तक नहीं। ओके, ये आपके पास एक प्रूफ हो गया। एक दूसरा प्रूफ ये भी होगा कि आपने जब ऑर्डर किया होगा तो वहाँ पर जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं उससे पहले आप प्रोडक्ट को चेक करते हैं उनकी एप्लीकेशन पे, राइट? जी जी। तो तब स्क्रीनशॉट लिया होगा कि आपने एक्चुअली कैमरा ऑर्डर किया था, राइट? जी जी, कैमरा ऑर्डर किया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, अकाउंट से पैसे गए उसका प्रूफ है, वीडियो बनाई थी प्रोडक्ट आते टाइम उसका प्रूफ है, उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट सेलर ने अप्रूव कर ली लेकिन रिटर्न ये ले जा नहीं रहे हैं, तो वो भी हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि सेलर तभी तो रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा जब उसे पता होगा कि हमारी गलती है, तभी तो रिटर्न लेने के लिए तैयार होगा, वो तो तैयार हो गया, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट नहीं ले जा रहे, उसके बाद इनकी टीम भी तैयार हो गई वापस ले जाने के लिए। अभी आपको डिनाई उन्होंने आपको मेल पे कर दिया है, पर हमारी तरफ से कंप्लेंट अभी फॉरवर्ड कर दी गई है, डॉकेट नंबर आपके पास आ गया होगा। तो अपना कौन सा नंबर डाल के ट्रैक करना है मैम, अपना ये कॉल किया है वो नंबर या अमेज़न में रजिस्टर है वो नंबर? मैं बता रही हूँ आपको consumerhelpline.gov.in, ये हमारा वेबसाइट है, आप इसको एंटर करिएगा गूगल पे, जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज ओपन होगा, उस पर स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, वहाँ पर एक अदर का ऑप्शन होगा, अदर के नीचे सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक ग्रीवेंस, सेकंड ऑप्शन है अपलोड डॉक्स, अगर आपको कोई अटैचमेंट डालनी है डॉकेट के साथ, थ्री अटैचमेंट का ऑप्शन भी है, तो अपलोड डॉक्स को क्लिक करेंगे, अगर आपको ट्रैक करना है तो ट्रैक ग्रीवेंस को क्लिक करेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे दोनों में ही, डॉकेट नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका जो डॉकेट के साथ रजिस्टर्ड है, डॉकेट नंबर आपका होगा एंड मोबाइल नंबर आपका जिसपे मोबाइल पर एसएमएस आया है, ठीक है, वही डालना है, सबमिट करना है, पूरा कंप्लेंट आपको ट्रैक हो जाएगा जो मैंने यहाँ से फॉरवर्ड किया है। अच्छा, अगर मैम इसमें मैं कुछ और अटैचमेंट भी डालना चाहें तो अभी मैं अटैचमेंट डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास जो प्रूफ है वो मैं सेंड करना चाहता हूँ, पर वीडियो आपका
अपलोड नहीं होगा क्योंकि वीडियो एक्सेप्ट नहीं करता है। आप टीवी ये पीडीएफ फाइल में एंड आपका जेपीजी फाइल जो होती है, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था कैमरे का, वो आप शॉट वगैरह डाल सकते हैं अपने ऑर्डर के रिगार्डिंग। फोटो डाल सकते हैं हम लोग? हाँ जी, फोटो जेपीजी फाइल और आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा, वीडियो अपलोड नहीं हो सकती सर इसमें अभी। ठीक है, मैं ये एक वार्निंग के साथ रिमाइंडर मेल भेज दीजिए कि मैं, मेरे पास सारे प्रूफ है, उस प्रूफ के बिहा पर मैं आपके खिलाफ कोर्ट में नोटिस, मतलब आपके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकता हूँ एज अ बीइंग अ कंज्यूमर, कि मेरे पास पूरा राइट है। जी जी, ओके राइट। तो 50 दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा? हाँ, इनका रिप्लाई कभी भी आ सकता है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी ट्रैक कर लीजिएगा। ट्रैक का ऑप्शन मैंने बता ही दिया है, प्रोसेस एंड अपलोड सेम प्रोसेस है, सेम डिटेल मिलेगी, सिर्फ अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है आपको। ठीक है सर, जब नहीं होता है कॉल करके कोडोकेट नंबर बता के आप दोबारा से जान सकते हैं प्रोसेस। ओके ओके सर, मैं बताना चाहूंगी कॉल को डिस्कनेक्ट ना करें, मैं आपका कॉल आईवीआर फीडबैक के लिए ट्रांसफर करूँ, प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर कॉल करने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने कंप्लीट ऑडियो सुन ली है कि हमारे बीच क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ था, किस तरीके से उन्होंने कंप्लेन की, और उन्होंने बताया था कि आप एक बार कंपनी को अपडेट दे दीजिए कि हमने साइबर क्राइम में या जो ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी है। तो मैंने वो भी अपडेट दे दी और उसके बाद देखते हैं क्या फाइनल डिसीजन आता है, वो भी आपको आने वाली वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे फ्रॉड से बच सकें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।